दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ कि किसी गांव में एक नेताजी ने भेड़ों के झुंड में एक घोषणा कर दी कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो आप लोगों को फ्री में कंबल और ऊनी कपड़े मुफ्त में बांटूंगा। तो ऐसा सुनते ही पूरी जो भेड़ जातियां थी, भेड़ जो थी सब में, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी। तो अच्छी बात है कि नेताजी ने हमारे लिए कुछ सोचा है भविष्य के लिए कि हमें फ्री में कंबल और जो है गर्म कपड़े बांटेंगे। इतने में ही एक छोटे से बच्चे, भेड़ के बच्चे ने पूछ लिया माँ कि ये नेताजी जो घोषणा करके गए हैं कि कंबल और गर्म कपड़े बांटेंगे, इसके लिए जो ऊन है वो कहाँ से प्राप्त होगी। बस बच्चे ने इतना पूछना ही था कि पूरी भेड़ बिरादरी में फिर से सन्नाटा फैल गया और सब सोचने लगे बात तो बच्चा सही कह रहा है कि ये जो ऊन है वो आएगी कहाँ से। तो दोस्तों अगर कहानी समझ में आ गई तो कहानी का मतलब ये कि यही हाल जो है हमारी देश की जनता का भी है। आप लोग जानते हो कि नेताजी जो है वो चुनाव में, चुनाव होने से पहले हम सब लोगों को ये भाषण में ये कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, हम आपके लिए ये योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे, फ्री में मुफ्त में साइकिल बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, ये चीज़ें फ्री कर देंगे, वो चीज़ सस्ती कर देंगे। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ देश की भोली वाली जनता से कि जब ये नेताजी चुनाव जीत जाएंगे तो ये जो चीज़ें सस्ती करने की जो घोषणा नेताजी ने की थी वो चीज़ें सस्ती होंगी कहाँ से? कहाँ से लैपटॉप बांटेंगे, कहाँ से साइकिलें बांटेंगे? तो दोस्तों ये तो आप भी जानते हो कि जब ये साइकिलें बटेंगी या जो लैपटॉप बटेंगे वो उनका पैसा कहीं और से नहीं आने वाला, जनता की जेब से ही आने वाला है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम अगर वोट देने जाएं तो ऐसे नेता को वोट देने जाएं जो इस तरह के लोभ लालच हमें ना देता हो, इस तरह के लोभ लालचों से मुक्त हो और देश की उन्नति, प्रदेश की उन्नति और विकास के बारे में सोचता हो। हमें अपने देश का विकास करना है, ना कि इन प्रलोभनों के लालच में पड़ना है। अगर मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।